ये देखो गाइस चपाती भाई को क्या मिला, गेस करो इसके अंदर क्या है। मैंने बोल रखा था ना कि ये चीजें हर जगह पर होती है, और इसके अंदर एक और बुक लाइब्रेरी बनी हुई है। यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज लॉगी और वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज गाइस हम यहाँ पर सुबह सुबह आ चुके हैं पप्पू की शॉप पे, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक्चुअली कोई है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पप्पू की हेल्प की जाए। चपाती भाई तो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और ये कौन से डब्बे आपने निकाले हैं यार, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा मैं 24 आवर से यहाँ पर हूँ भाई, 25 घंटे। अच्छा 25 घंटे कौन शिफ्ट मारता है? कितनी मस्त ग्रिप सुखा कर रखी है ये देख। हाँ ये क्या भाई मस्त, ये एक ही भाई 25 आवर में चपाती मैंने सिर्फ एक ही लाइन लगाई है। काम तो किया है ना? हाँ बहुत बढ़िया काम किया आपने। अभी मैंने एक डील मारी है कस्टमर से। हाँ दिखाओ, जो हमें ग्रिप सप्लाई करता है। हाँ दिखाओ, ये देखो पिज्जा हट की ग्रिप्स 2 for 1 पिज्जा हट। यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं ये 2 क्रिप्स के पैकेट पिज्जा हट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो मेरे को फ्री पिज्जा देंगे। वो चलो भाई मैं ये पूरा डब्बा लेकर चला जाता हूँ फिर। सैनिटाइजेशन के मैंने पूरी गाड़ी भर दी है भाई। ये क्या आपने देखे है यार शॉप के ऊपर? चिली वाली चटनी कितनी मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। लेकिन शिराचा भाई, लेकिन जिम कौन जाएगा? जिम चटनी खा के कौन जिम जाता है? जिम डाल लेते पप्पू से। तो गाइस मैंने भी यहाँ पर शॉप में कुछ टाइम काम किया है, तो गाइस मुझे रफली पता है कि सारी चीजें कहाँ पे पड़ी हैं। रेड बुल की तरफ मैं देखूं तो गाइस रेड बुल तो एक्चुअली ढेर सारा पड़ा हुआ है, लेकिन गाइस प्राइम की बॉटल थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, तो मुझे अंदर से लेकर आनी है। ये रही अपनी 2 प्राइम की बॉटल, मुझे ये उठा के पहले जाके फ्रिज में रखनी है। चपाती भाई तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं भाई, पूरी पॉकेट आपने भर दी भाई, वापस रखो, मैंने देख लिया। मैंने रखी। और सुनो चलो भाई मेरे लिए यहाँ पर फ्रिज खोल दो। कौन सा वाला? ये वाला भाई, ये प्राइम वाला। ये देख, तो ये प्राइम वाला खुल चुका है। अरे हम ठंडे प्राइम क्यों बेच रहे हैं? कल हमने गरम वाला पिया लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर भाई, अल्टीमेट ट्रोल हम यहाँ पर कल हो गए थे, लेकिन ये रहा ठंडा प्राइम। ऐसा इधर को पता है ना, दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी ऐसी शॉप है जो ठंडा प्राइम बेच रही है ठंडा। ये कौन सा प्रमोशन है भाई? शॉप हर एक शॉप के अंदर मैं जाता हूँ, ऐसे शॉप क्यों पड़ा होता है? पूरी स्पेंट ऐसे यार, ये एक्चुअली ट्रू है यार, सिर्फ हमारी शॉप के अंदर सिर्फ यहाँ पर फ्रिज में पड़ा है प्राइम। अबे वापस रख लो भाई, मेरी तरफ ही कैमरा पकड़ कर रखा तूने भाई। आपको पता ना, वो देखो ऊपर आपके बिल्कुल पीछे भी कैमरा लगा है, वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, आपको पता है। और हम ऑल्सो गाइस यहाँ पर शॉप के ऊपर पार्सल भी डिलीवर करते हैं। और ये कौन सी चीज है? और ये बूमरैंग किससे मंगवा लिया भाई? ये शेर के दांत है भाई, ये एक्चुअली बूमरैंग मुझे इसके अंदर लग रहा है यार। ये देखो गाइस, ये क्या है? किस चीज के लिए? ये क्या है? ये ऐसे कवर बुझाने के लिए होता है एक्चुअली, लिटरली इसी चीज के लिए। भाई चलो भाई, मैं फिर मुझे तो यार एक उठाना है, ये मैं बड़े नीले वाला उठाऊंगा। ओ तेरी और हमें ऑल्सो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक्स भी लेनी है एक मस्त वाली चैलेंज वीडियो के लिए। हाँ क्या, हम ड्रिंक उठाएंगे तो चैलेंज वीडियो में हम जब गेस्ट करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि हमने कौन सी ड्रिंक उठाई है, और तो ड्रिंक उठाने का काम रोज हमें किसी और को देना पड़ेगा। हाँ ये सही है। चलो चपाती भाई क्रिप्स लग चुकी है, ये बाकी डब्बे आपको पीछे ले जाए। ओ क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ये आपको पीछे लेकर जाने हैं। 2-3 डब्बे यहाँ पर और पड़े हैं, तो मैं भी उठा लेता हूँ। ये मुझे जल्दी से लेकर जाना है पीछे। ओ भाई सारा काम फाइनली हो चुका है, सुबह सुबह क्या काम ने कर दिया यार। आज मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। हाँ क्या है भाई, क्या कर रहे हो? ओ तेरी लॉटरी टिकट भाई, जैकपॉट है 1,00,000 pounds। ओ चलो स्क्रैच करो, भी ट्राई कर ले, स्क्रैच करो। अगर सारे सब्सक्राइब करेंगे तो आई बिलीव हम जीत सकते हैं। ओह यस लेट्स गो। तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 सिंबल लेके आए हैं, ठीक है? ये क्या रखा है? ग्रीन सिंबल्स पे डबल। ओ 1,00,000 आ चुका है एक बार, 40 भी आ चुका है, और 5 भी आ चुका है। इसके बाद अब 1,00,000 2 बार आ चुका है, तो अगर एक और बार आएगा तो आप लिटरली जीत सकते हैं। अगर गाइस लिटरली अभी वीडियो एंड हो जाती है तो समझ लेना हम जीत गए हैं। 2 बार 1,00,000 आ चुका है लॉगी। चलो चपाती भाई स्क्रैच करो। मैन 5 भी 2 बार आ चुका है, और 10 अभी 10 आ चुका है। सो अच्छा मुझे लगा यार एक और बार 1,00,000 आ गया। लॉकी से फोन गिरने वाली थी। अरे यार हम हार जाएंगे। और फाइनली में क्या है? कुछ भी नहीं मिला यार भाई। फाइनल वाले में क्या है? कुछ ही नहीं है, ये देख कुछ भी नहीं हुआ। 2 pounds आ चुका है यार, हार गए। तभी कहता हूँ चपाती भाई गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। शॉप के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने के बाद ये रहा हमारा नाश्ता। नाश्ता पानी यहाँ पर सब हो चुका है, लेकिन अभी गाइस एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो कुछ टाइम पहले गाइस जो मैंने ये पैंट खरीद कर रखी थी वो एक्चुअली गाइस कुछ साइज बड़ी थी, तो वो मुझे अभी जाकर रिफंड करवानी है। इससे पहले कि चपाती भाई गाड़ी में आ जाए, मैं यहाँ से एक मिनट उठा लेता हूँ। बोले गाइस चपाती भाई कैसे वेट करके आ रहे हैं, आ जाओ हेलो।
गाड़ी वगैरह पार्क हो चुकी है, ये रही हमारी पेंट और अभी हमें जल्दी से जाके इसको करना है रिफंड और हमें ऑल्सो दो तीन चीजें और भी लेनी है। लस्को, चपाती भाई जल्दी से हमें जाना है इसके पहले कि दुकान बंद हो जाए। ढूंढो चपाती भाई, सही पैंट हमें यहाँ पर ढूंढनी है। तो लीजिए गाइस, फाइनली हमारी पैंट यहाँ पर एक्सचेंज हो चुकी है। क्या मुंह में मार रहे हो? तो लकली मुझे वो वाला साइज मिल गया, अभी हम घर पे जाके ट्राई करते हैं इसको। लेकिन उससे पहले गाइस हम यहाँ पर जाएंगे पिकनिक पे, क्योंकि गाइस बहुत मस्त वाला वेदर हो रहा है आज। चपाती भाई रेडी हो जाओ पिकनिक के लिए, बहुत मस्त जगह पे हम अभी जाने वाले हैं। भाई हमेशा याद रखोगे मुझे इस जगह के लिए? कौन सी जगह पर लेके जाने वाला है इसको? बस लिटरली ब्रो, इसको एक ही जगह पता है और वो है ट्रेन वाली। वहीं पे लेके जा रहा ना मेरे को भाई? वहीं पर ही जा रहे हैं। वहाँ भी इसको मैं लेके गया था, लेकिन गाइस वो जगह बहुत ज्यादा मस्त है यार ट्रेन वाली। वहाँ पर लिटरली गाइस पुराने जमाने की ट्रेन खड़ी है, उसके अंदर गाइस म्यूजियम भी है, तो यार बहुत ज्यादा मस्त जगह है वो। अभी गाइस रास्ते में बहुत बड़ा होटल आने वाला है, 5-star होटल, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बड़े वाला होटल, और नो जोक उस होटल में एक्चुअली ओबामा भी रुका था। तो चलो चपाती भाई वहीं पर ही चलते हैं आज। भाई इनको पता है ना वो कितना महंगा 5-star है भाई। भाई मुझे जाना है भाई, मुझे 5-star होटल है और इसको रुकना है 5-star में। चलो ब्रो एक काम करते हैं, अगर लॉगी के इस चैनल के ऊपर 1,000,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हो गए तो इसको लेके जाएंगे फटाफट वाले होटल। तो चलो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। गाइस अभी मैं आपको बड़ी खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ। तो ये रही गाइस वर्ल्ड्स मोस्ट स्मॉलेस्ट शॉप। एक्चुअली यार कितनी ज्यादा छोटी है, फोन बूथ के अंदर यार भाई किसी ने शॉप बना दी है। अगर खोल के देखें तो अंदर बनी है बुक शॉप। तो बेसिकली गाइस का फंडा पता क्या है, आप यहाँ पर आके अपनी पुरानी बुक्स दे सकते हो और अगर आपको बुक चाहिए तो ले सकते हो। अगर आपको पैसे देने हैं तो पैसे भी यहाँ पर छोड़ सकते हो। बहुत ज्यादा मस्त जगह यार, ये देखो कितनी सारी बुक है, लोगों ने छेड़ कर रखी हुई है। बहुत ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पे, और सामने ऑल्सो एक साइन भी लिखा है कि जिससे भी यहाँ से किताब उठा उसको फिर से टाइटली यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो इस कंट्री साइड वाले एरिया के अंदर ऐसी शॉप्स बहुत ज्यादा बनी होती हैं। और इसके बाद हमारी एपिक कंट्री साइड वाली जर्नी शुरू। तो अगर मैं मैप की तरफ देखूं तो सिर्फ 1 मिनट यहाँ पर रहता है, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। पहुँच गए भाई, घर के पास में जगह पड़ती है अपनी, ये देख वहाँ पर अपनी। तो अगर मैं पेड़ों के पीछे ऐसे देखूं तो हाँ भाई मुझे कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। और ये रही अपनी एपिक जगह, तो यहाँ पर गाइस एक कासल बना हुआ है यहाँ पर पिकनिक करने का पूरा मजा। काफी ज्यादा कूल है यार ये यार। तो गाइस बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर बहुत पुराना कैसल यहाँ पर बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल लग रहा है ये। और ये देखो यहाँ पर एकदम से शांत वाली नदी बनी हुई है यार, यहाँ पर कितनी ज्यादा क्वाइट है ये जगह। मेरी GTA 5 की 50 मिलियन की ऑटो क्या है की 50 मिलियन की ऑटो यार भाई, वो वाली फ्री मिलती है। और वो सामने बनी हुई है एक मस्त वाली ब्रिज, वहाँ पर गाइस हम नॉर्मली आके चिल मारते हैं यार। क्या मस्त चिल वाली जगह है यार, ये देखो यहाँ पर फ्रूट्स भी उग रहे हैं एकदम से फ्रेश। कुंफू पांडा वाले स्विट्जरलैंड वाली फील तेरे को दे रहा हूँ यहाँ पर आ जा। ये क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है गाइस? आई थिंक ये पहली बार यहाँ पर आया ना। लॉगी भी 5-6 बार यहाँ पर आ चुका है भाई। वैसे यार बस वाली जगह ही है, उधर देख उधर कितना मस्त है, पास में कितना मस्त लग रहा है यार ये। पानी कितनी स्मूथ तरीके से जा रहा है इस वॉटरफॉल से। तो ये वॉटरफॉल ये रहा उसका एंड, और आई थिंक ये ऊपर कहीं से आ रहा है। और देख कितना क्लियर कर रही है भाई, देख रहा है ब्रिज कितना मस्त लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार ये वाला ब्रिज तो। क्या भी यहाँ पर देख, पूरा यहाँ पर भी खुला हुआ उस तरफ, और वो रही अपनी यॉट जो की हमने लास्ट टाइम देखी थी तेरे को याद है पूरी सामने, और यहाँ पर लॉगी छलांग मारेगा चल कुछ। और ब्रो तेरे को पता है वो जो झरने का पानी है ना जो हमने वहाँ पर देखा था जो ऊपर पहाड़ों से आता है, वो नीचे से कहीं आई थिंक ब्रिज के नीचे से सीधा मिलता है रिवर के अंदर। ब्रिज के ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कितना ज्यादा क्लीन यहाँ पर लग रहा है, बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है ये वाला व्यू। क्या ब्रिज हिल रहा है? क्या है, कैसे एक्चुअली हिल रहा है? भाई सब एक्चुअली हिल रहा है, कैमरा गिर जाएगा। ये देखो गाइस चपाती भाई को क्या मिला, गेस करो इसके अंदर क्या है। मैंने बोल कर रखा था ना कि ये चीजें हर जगह पर होती है, और इसके अंदर एक और बुक लाइब्रेरी बनी हुई है। लास्ट टाइम ब्रोज लोगों ने बोला था ना कि वो लास्ट वाली बुक शेल्फ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट शॉप है, लेकिन वो नहीं है भाई, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट शॉप तो ये उससे भी छोटी है। और यहाँ पर आप गाइस अगर आपको बुक पोस्ट करनी है ना तो आप इस एड्रेस के ऊपर पोस्ट भी कर सकते हो। और अभी हमें जाना है गाइस गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाइस वहाँ पर अभी हमें जाना है ट्रेन वाली जगह पर। भाई साहब थोड़ा सा वॉक क्या किया, यहाँ पर एक और शॉप बनी है। और ये देखो गाइस ये रही हमारी मस्त ट्रेन वाली जगह, कितनी चिल वाली प्लेस है यार। तूने बोला था कि यहाँ पे टेक्निक करना है, खाना किधर है? अरे ये पड़ा है खाना कब से, ये देखो
इतनी घुमा घुमा फिरा के मेरे को ये खीरे खीरे खिलवा रहा है मेरे को ये भाई, ये खुद ही खा भाई, प्यास लगी है यार। चलो भाई बाहर चलते हैं। ये रहा हमारा ट्रेन वाला म्यूजियम, तो ये रही गाइस हमारी पुराने जमाने की ट्रेन और अंदर बना है मस्त वाला म्यूजियम। भाई कहीं ना कहीं तो होगा, ये देख रहे हो यार कितनी क्वाइट जगह है, गला सूख रहा है। और ये टीवी हमें यहाँ पर दिखा रहा है इस ट्रेन की हिस्ट्री, ट्रेन की हिस्ट्री दिखा रहा है। ट्रेन कहाँ से देखो, ट्रेन दिख रही है, ट्रेन है भाई, कितनी अच्छी ट्रेन है यार ये। बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर ड्रॉइंग्स भी हम बना सकते हैं और बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर बनी हुई है। सब्सक्राइब क्या एक्चुअली लग रही है क्या, सब्सक्राइब भाई। ट्रेजर चेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, आई डोंट थिंक ये खुलता है यार, आई थिंक ये लॉक्ड है। ये देखो तेरे को चीज दिखाता हूं। हां बोलो। देखो ना बेसिकली ये उठा के बैलेंस कर लो उसको, ठीक है, किसको, एक हाथ से भाई, इम्पॉसिबल लग रहा है यार ये तो। ट्राई कर, तेरे को बैलेंस कर रहा है, बीच से उठाना, चल बैलेंस नहीं हुआ अभी, वहां से नीचे आ रहा है, उस तरफ से नीचे आ रहा है भाई, ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। चल फिर से कर, अरे बीच में से पकड़ ना, लेवल बना उसको, हो जाएगा उससे, अरे पूरा चक पीछे से लेवल नहीं हुआ। और ये है अपनी गदर फिल्म का पंप। और ये रहा यहाँ का पुराना स्टेशन, तो बेसिकली आई थिंक ये जगह पुराने जमाने में कुछ ऐसी दिखती थी। और ये रहा जहाँ पर अभी गए थे, नहीं आई थिंक वो रही भाई, वो ये रही भाई, ब्रिज कौन सी वाली, वो डोर है, डूबड़े उसको, ये अच्छा कितनी अच्छी ब्रिज है यार ये वाली, डूबड़ा डोर है वो यार। और ये वही स्टेशन है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। ओ भाई यार कब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चलो खोलो भाई सैंडविच खोलो, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर तो खाना खा रहा है, प्लेटफॉर्म वही तो भाई, आ जाओ, आ गई है। ट्रेन कब से खड़ी हुई है, निकालो निकालो। ओ भाई तो थैंक यू, प्यास लगी हुई है, ऊपर से नीचे ये नीचे पानी पड़ा हुआ है। हम एकदम सही टाइम पे आया, कैसे बंद हो गई, ओ तेरी कसम से, एक्चुअली 5 बजे 4:30 बंद होती है और 4:30 हो चुकी है। ओ चलो भाई गाड़ी में फिर। ओके गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और ये देखो हमारी नई पैंट का मस्त फिटिंग हुई है यार। चवाली भाई कैसे है यार, ये वाली पैंट कैसे है, ये वाली ठीक है, लास्ट वाली जो थी ना ऐसे ऐसे खुल्ले खुल्ले थी, ये वाली एकदम से टाइट लग रही है, देख रहे हो, ये एकदम से स्लिम वाली है, बॉडी के साथ सी के रखी हो पैंट को, ये बस्त है। तो चलिए गाइस आई थिंक अभी इस ब्लॉग में इतना ही काफी है और प्लीज गाइस सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए क्योंकि गाइस हमें वो 5-स्टार होटल में जाना है।